Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a very, you can say, the most important theory in educational psychology, that is Jean Piaget's Cognitive Development Theory. Earlier to this, I have already made a video on the same topic, but that video is earlier quite old, and in that video my slides are not moving, so I have again attempted to discuss this very important topic in a more elaborate way. Okay, so let's start. Piaget ka संज्ञानात्मक विकास बहुत ज्यादा पढ़ा पढ़ाया और पूछे जाने वाले सवाल का टॉपिक पियाजे संज्ञानात्मक विकास पर क्या कहते हैं. तो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे क्या कहा, से जाने से पहले एक लाइन में कॉग्निशन क्या है. कॉग्निशन द इनर प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ माइंड दैट लीड्स टू नोइंग इज कॉल्ड एज कॉग्निशन. यानी कि आपके माइंड का जो इनर प्रोसेसेस चल रही हैं, जो प्रोडक्ट्स उसमें से निकल रहे हैं, वो दैट लीड्स टू नोइंग, वो किस लिए ये सब काम हो रहा है, जिससे आप कुछ जान सकें, वही संज्ञान है. ऑल मेंटल एक्टिविटीज आर ए पार्ट ऑफ इट, और हमारी सारी मानसिक प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं, इसका हिस्सा होती हैं, जैसे कि अटेंशन, प्लानिंग, कैटेगराइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, क्रिएटिविटी एंड सिंबलाइजिंग एक्सेट्रा. पियाजे हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन. पियाजे ने अपने अध्ययन से जो अपना सिद्धांत दिया बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का, उसने पूरा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्षेत्र था उसको पूरी क्रांति ला दी उसमें. Some of his most important ideas are as follows, जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विचार बताए, जैसे कि इंटेलिजेंस इज एन एक्टिव कंस्ट्रक्टिव एंड डायनेमिक प्रोसेस. उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो आपकी एक सक्रिय, कंस्ट्रक्टिव और गतिशील प्रक्रिया है. मिस्टेक्स मेड बाय चिल्ड्रन हेल्प अस इन मेकिंग सेंस ऑफ देयर थॉट प्रोसेस एट दैट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. उन्होंने कहा कि बच्चे जो गलती करते हैं उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेज पे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के किस लेवल पे हैं, उनके दिमाग में, उनके माइंड में कौन सी थॉट प्रोसेसेस चल रही हैं. With time, structure of thinking changes in children, but these new modes are based on their earlier structures. उन्होंने कहा समय के साथ जो बच्चे हैं उनके थिंकिंग स्ट्रक्चर में चेंज आता है, लेकिन ये जो नए मोड होते हैं वो पुराने मोड पर ही बेस्ड होते हैं, अर्लियर स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड होते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन्होंने बताए, जैसे कि स्कीमा, एसिमिलेशन, एडेप्टेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन. तो स्कीमा क्या है, बार बार ये शब्द आएगा आपके सामने. स्कीमा इज ए स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर विच इज अंडरस्टूड एज ऑर्गेनाइज्ड वेज टू मेक सेंस ऑफ द एक्सपीरियंसेस अराउंड अस. दीज आर एक्शंस एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशंस दैट चेंज विद एज. ये कह रहे हैं कि स्कीमा जो है वो एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना है, विच इज अंडरस्टूड एज ऑर्गेनाइज्ड वेज टू मेक सेंस ऑफ द एक्सपीरियंसेस अराउंड अस. हम अपने इर्द गिर्द जो भी अनुभव लेते हैं उसका एक सेंस, उसके सेंस के रूप में एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपके माइंड में बन जाता है. दीज आर एक्शंस एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशंस. ये क्रियाएं हो सकती हैं, ये हमारे मानसिक प्रतिनिधित्व करने वाले चित्र निरूपण हो सकते हैं जो कि उम्र के साथ बदलते जाते हैं. एसिमिलेशन और एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन एडेप्टेशन, ऐसे समझिए कि स्कीमा पहले से आपके माइंड में बना हुआ है. कोई फिर आप कोई नई चीज देखते हैं, कोई नया कंसेप्ट आप उससे एक सार होते हैं, तो वो अगर पुराने कंसेप्ट में एज इट इज समा जाए तो वो एसिमिलेशन है. अगर आपको नए स्कीमा को, नए ज्ञान को करने के लिए पुराने स्कीमा में चेंज करना पड़े तो वो एकोमोडेशन है. और यही प्रक्रिया जो है वो इस प्रक्रिया का बैलेंसिंग इक्विलिब्रेशन है. क्या लिखा है एसिमिलेशन में, दिस रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ फिटिंग अ न्यू एक्सपीरियंस इनटू एन एग्जिस्टिंग और प्रीवियसली क्रिएटेड स्कीमा. हमने सिर्फ फिटिंग किया, कोई चेंज नहीं किया. एकोमोडेशन में हम चेंज करते हैं, दिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्कीमा, हमको एक न्यू स्कीमा बनाना पड़ता है. इक्विलिब्रेशन में दिस रिफर्स टू अचीविंग प्रॉपर बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन. इट हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन आर एबल टू मूव फ्रॉम वन स्टेज ऑफ थॉट इनटू नेक्स्ट. एडेप्टेशन में क्या है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन आर दी टू साइड्स ऑफ एडेप्टेशन. मतलब इसी आपके एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के सौजन्य से ही एडेप्टेशन की प्रक्रिया चलती है. फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमको पता है, सबको पता होगा, लेकिन ये अपने आप में कितने गूढ़ हैं अब आप अभी यहाँ समझेंगे. अक्सर हम लोग सुपरफिशियल तो इतना तो जानते ही हैं कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉम्प्लीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, इतना तो जानते हैं. लेकिन क्या है, क्या मार्क डिफरेंस है, क्या सबका कैरेक्टरिस्टिक है, ये जानना इस पर आधारित सवालों को हल करने के लिए जरूरी है. पियाजे आइडेंटिफाइड फोर स्टेजेस इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस. इन्होंने शैशवावस्था से किशोरावस्था के बीच में बालकों के संज्ञानात्मक विकास को बांटा चार चरणों में. ईच
Each stage represents different qualities of thought and to build on the abilities acquired during the previous stage. प्रत्येक चरण है उसमें जो different qualities of thought उसकी characteristic है उसको represent करते हैं और वो पुरानी पे based है. जैसे मतलब जो हमारा प्री ऑपरेशनल है वो सेंसरी मोटर पे बेस्ड है, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है वो प्री ऑपरेशनल पे बेस्ड है, इस तरीके से. यानी कि जो आप योग्यता ग्रहण कर चुके हैं उसी पर आधारित अगली योग्यता होगी. सॉरी हाँ, According to Piaget, these stages occur in a prescribed order, that is in order to reach the fourth stage. और इन्होंने कहा ये prescribed है, यानी कि आप इसमें फेरबदल नहीं करेंगे. पहली कौन सी है? सेंसरी मोटर. फिर प्री ऑप सेंसरी मोटर क्या है? इन्फेंट्स, मतलब ये पहली है तो इन्फेंसी से एडोलेसेंस गए हैं तो ये इन्फेंट है, यानी कि शैशवावस्था में जो बालक है वो सेंसरी मोटर स्टेज पे होता है. इसमें इन्फेंट्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस एंड द एक्शंस दे टेक ऑन इट. यानी कि जो बच्चा है वो संसार को कैसे समझता है? अपनी ज्ञान इंद्रियों से समझने की कोशिश करता है और वो संसार पर जो एक्शन कर रहा है, एनवायरमेंट पे जो एक्शन कर रहा है ना, जो भी अनुभव उसको मिल रहा है उस पर जो एक्शन कर रहा है. प्री ऑपरेशनल यंग चिल्ड्रन कैन यूज मेंटल सिंबल्स. Young children can use mental symbols, but their thinking is not logical. जब pre-operational में है, जब आपको detail में बताएंगे, तब पता चलेगा कि operation यहाँ कौन से operation की बात की जा रही है? Mental operation की. तो pre-operational का मतलब कि mental operation में घुसने से पहले की अवस्था है. यानी कि यहाँ पे बच्चा mental symbol use तो करता है, लेकिन उसकी thinking जो है वो logical नहीं होती है. Concrete operational में क्या होता है? Logical हो जाती है thinking, लेकिन concrete चीजों के लिए, कॉन्क्रीट कंसेप्ट के लिए. और फॉर्मल ऑपरेशनल में एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के लिए भी हम लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस निकाल सकते हैं. यही इनकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का क्रक्स है. अब अगर सेंसरी मोटर को देखें डिटेल में, एज द नेम सजेस्ट, इन्फेंट्स ऑर्गेनाइज देयर वर्ल्ड बाय मींस ऑफ देयर सेंसेस एंड द फिजिकल एक्शंस दे टेक ऑन. यानी कि जो बच्चे हैं, जो शैशव हैं, जो पैदा हुए नवजात शिशु हैं, वो संसार को ज्ञान इंद्रियों से समझते हैं और उस पर एक्शन करते हैं. पियाजे डिवाइडेड दिस स्टेज फर्दर इनटू सिक्स सब स्टेजेस. देखिए जनरली हम लोग सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल करके आगे बढ़ जाते हैं, पर सेंसरी मोटर को भी 6 सब चरणों में, मतलब उप चरणों में बांटा गया है, ये हम जनरली नहीं जानते हैं. बट ऑल्सो सेड दैट द फैक्ट रिमेन्स सो कॉम्प्लिकेटेड एंड देयर सीक्वेंस कैन बी so rapid that it would be dangerous to separate these stages too much. उन्होंने कहा लेकिन ये इतना complicated है और उनका sequence इतनी जल्दी जल्दी आता है जो उन्होंने 6 सब stages बताई हैं कि आप इसको अगर एक दूसरे से बहुत अलग करने की कोशिश करेंगे तो ये dangerous होगा, मतलब गलत होगा. जो 4 basic trends इन्होंने इस development में बताए वो कौन कौन से बताए? Moving from reflexes to goal directed activity. अभी तो क्या था? Reflex action चल रहा है बच्चे में, फिर वो goal directed activity की तरफ धीरे धीरे move करता है. Attention from one's body to the outside world. धीरे धीरे वो अपने शरीर से बाहर outside world पे भी attention देना शुरू करता है. Development of object permanence, ये सबसे ज्यादा बड़ी खासियत है इसकी sensory motor की. और shift from motor action to mental representation. पहले वो motor action कर रहा है, शारीरिक क्रियाएं कर रहा है, फिर mental representation तक धीरे धीरे पहुंचता है. अच्छा एज स्पैन मैंने नहीं बताया आपको, जो सेंसरी मोटर है वो 0 से 2 है, फिर प्री ऑपरेशनल 2 टू 7 है, फिर वो 7 टू 11 है या 7 टू 12 या और फिर लास्ट वाला यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल 12 टू 19 चलता है, या आप उसको किशोरावस्था टीनेजर्स 19 है. तो अगर हम सेंसरी मोटर को 6 सब स्टेजेस में बांटे तो 6 सब स्टेजेस कौन सी होंगी? सिंपल रिफ्लेक्सेस, फर्स्ट हैबिट्स एंड प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस. आई एम सो सॉरी, टाइम नहीं मिला आज दिन में तो मैं लेट नाइट लेट आवर्स में इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट कि मुझे ना रही है. तो सिंपल रिफ्लेक्सेस, फर्स्ट हैबिट्स एंड प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शंस, नोवेलिटी एंड क्यूरियोसिटी और इंटरनलाइजेशन ऑफ स्कीमास. इतने मतलब सिंपल रिफ्लेक्सेस, फिर फर्स्ट हैबिट, सेकेंडरी सर्कुलर, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर, टर्शियरी सर्कुलर और इंटरनलाइजेशन ऑफ स्कीमा. इसको भी इन्होंने बांट दिया कि बर्थ से 1 महीने तक ये रहेगा, फिर 1 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 18, 18 से 24, क्योंकि बर्थ टू 2 इनको कवर करना था. सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं इन्होंने और सबके एग्जाम्पल भी दिए हैं. इतना इन्होंने गौड़ अध्ययन किया और आपको पता ही होगा कि उन्होंने अपने ही बच्चों पर इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व करके ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्टेज डेवलपमेंट सिद्धांत दिया है. तो पढ़ लीजिएगा आप इसको.
फिर प्री ऑपरेशनल क्या है? प्री ऑपरेशनल में क्या है कि हम ऑपरेशन में घुसने से पहले की ऑपरेशन कौन सी? मेंटल ऑपरेशन, यानी कि अब हम धीरे धीरे मेंटल रिप्रेजेंटेशन की स्टेज पर जाएंगे। कहां से? मोटर एक्शन से मेंटल रिप्रेजेंटेशन। हम ऑब्जेक्ट परमानेंस को हमने नहीं बताया, आपको पिछले वीडियो में भी बताया मैंने और पता है, कॉमन बात है। तो एस पियाजे गिव्स द लेबल प्री ऑपरेशनल टू दिस स्टेज सब स्टेज, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टर्म फर्स्ट। ठीक, ऑपरेशंस आर इंटरनलाइज्ड एक्शंस व्हिच परमिट अ चाइल्ड टू डू थिंग्स मेंटली दैट ही और शी वाज डूइंग फिजिकली अर्लियर। यानी कि पहले जो काम बच्चा फिजिकली कर रहा था, अब वो उसको मेंटली कर सकता है, यही ऑपरेशन है। द चाइल्ड इज नॉट केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन मेंटली येट, क्योंकि अभी तक जो बच्चा है वो मेंटली कोई ऑपरेशन, कोई मेंटल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। हाउएवर प्री ऑपरेशनल थॉट इज द बिगिनिंग ऑफ एन एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट इन थॉट व्हाट वाज प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड इन बिहेवियर। द मेजर अचीवमेंट ऑफ दिस सब स्टेज इज द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स, यानी कि अब बच्चा चिन्हों को समझने लगता है, सिंबल्स को समझने लगता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू टू स्टेजेस, सिम्बॉलिक फंक्शन सब स्टेज एंड इंट्यूटिव थॉट। यानी कि प्री ऑपरेशनल को भी उन्होंने दो में बांटा, सिम्बॉलिक फंक्शन और इंट्यूशन, है ना। सिंबॉलिक फंक्शन है उसको वो कह रहे हैं, वो फिर से उन्होंने बांटा लैंग्वेज एंड थॉट, डेवलपमेंट ऑफ मेक बिलीव प्ले, ड्राइंग्स इन चिल्ड्रन, सिंबॉलिक रियल वर्ल्ड रिलेशंस। तो इनको आप देख सकते हैं। तो ये कह रहे हैं ये वाला जो स्टेज है वो कहां से जाएगा? 2 से 7। तो 2 से 4 कह रहे हैं कि सिंबॉलिक फंक्शन में रहता है बच्चा, और 4 से 7 जो है वो इंट्यूशन में रहता है। तो बिटवीन द एजेस ऑफ 2 to 4 ईयर्स द चाइल्ड गेन्स एन एबिलिटी टू मेंटली रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट प्रेजेंट। मेंटल रिप्रेजेंटेटिव एडवांसेस ऑफ दिस सब स्टेज आर डिस्कस बिलो। यानी कि बच्चा अब मेंटली उन चीजों को भी रिप्रेजेंट करने लगता है जो उसके सामने एक्चुअली नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस उसको आ चुका है ना। तो लैंग्वेज थॉट में क्या है कि पियाजे एक्नॉलेज लैंग्वेज टू बी अवर मोस्ट फ्लेक्सिबल मीन्स ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशन, है ना। डेवलपमेंट ऑफ मेक बिलीव प्ले, यानी कि वो बनाता है, विश्वास करता है और खेलता है बच्चा कैसे कैसे बड़ा हो रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है अपने एक्शंस के साथ। ड्रॉइंग्स इन चिल्ड्रन, पहले वो बस कुछ स्क्रिबल जैसा बनाता है, फिर धीरे धीरे वो फिगर्स बनाने लगता है। सिम्बॉलिक रियल वर्ल्ड रिलेशंस में कि जैसे बच्चा समझने लगता है कि एडल्ट जो करते हैं उसको उस तरह से करने की कोशिश करने लगता है, सिम्बॉलिक हो जाता है कि रियल वर्ल्ड के संग उसका क्या रिलेशन है जो भी कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये कुछ सब स्टेजेस उन्होंने बताई, लेकिन फिर भी हमें नाम पता होना चाहिए क्या बच्चा क्या कर रहा है। जो एक्शन कर रहा था अब वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन का वो रूप ले ले रहा है ना, जो चीज़ अभी तक मेंटली वो नहीं कर पा रहा था। तो ये प्री ऑपरेशन है। इंट्यूटिव थॉट में है कि अराउंड द एज ऑफ 4 to 5 ईयर्स चिल्ड्रन आर फाउंड टू बी आस्किंग अ लॉट ऑफ व्हाई क्वेश्चंस, क्योंकि उसके अंदर इंट्यूशन बहुत सारे क्यों पूछता है हमसे, जैसे आकाश नीला क्यों है, सूरज चमकता क्यों है, हम बड़े कैसे हो जाते हैं। दीज क्वेश्चंस आर ए सिग्नल ऑफ इंक्रीजिंग क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन एंड इमर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन रीजनिंग एंड फिगरिंग द वर्ल्ड दे लिव इन। दिस स्टेज हैज बीन कॉल्ड इंट्यूटिव As the children are sure about their knowledge but are not aware of its source, है ना। बच्चों को या ज्ञान के बारे में तो पता होता है लेकिन उसके सोर्स के बारे में नहीं पता होता है। Children are sure about their knowledge but are not aware of its source. फिर प्री ऑपरेशनल के बाद अब हम आ गए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। अब बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, लेकिन वो सिर्फ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जिनको वो देख पा रहा है, जिनको वो देख नहीं पा रहा है हम उसे कहेंगे सोचो, तो वो सोचने में उसको दिक्कत होगी। वो जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल पे जाता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है इन अकॉर्डिंग टू पियाजे। दिस स्टेज इज कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल रीजनिंग इज मच मोर लॉजिकल फ्लेक्सिबल एंड ऑर्गेनाइज्ड देन सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल थॉट। दे अप्लाई देयर रीजनिंग टू कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन विच कैन बी डायरेक्टली परसीव्ड। Their mental operations are very poor and with the abstract ideas, let's discuss some of the achievements or abilities specific to this stage. ये कह रहे हैं कि इस स्टेज पे बच्चे को क्या आ जाएगा? कंजर्वेशन, कि एक ग्लास का पानी दूसरे ग्लास में डाल के दूसरे ग्लास का वापस इसमें डाले तो कंजर्व है, यानी कि वो चीज़ कहीं जा नहीं रही है। तो कंजर्वेशन का उसको कंसेप्ट आ जाता है, उसको हायरार्किकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है कि क्या बड़ा है, इससे बड़ा ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा सी है, तो इसका मतलब सी जो है वो एक्चुअली ए से हर हालत में बड़ा होगा। इस तरीके के हायरार्किकल क्लासिफिकेशन वो समझने लगता है। उसको सीरिएशन आ जाता है, इट इज द एबिलिटी टू ऑर्डर आइटम्स अलोंग ए पर्टिकुलर डायमेंशन। जैसे हम कहें कि लेंथ वाइज खड़े हो जाओ, हाइट वाइज खड़े हो जाओ, वेट बताओ सबसे कम किसका है, सबसे ज्यादा किसका है, मतलब सीरियली अरेंज करने से इसका मतलब है। फिर उसको स्पेशियल रीजनिंग का कंसेप्ट आ जाता है और
फॉर्मल ऑपरेशनल अब हम एक्चुअली पहुंचाए एकदम उच्चतम अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्थिति पे. तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त द एबिलिटी टू वर्क ऑन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑपरेशंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 ईयर्स. दे जस्ट डू नॉट ऑपरेट ऑन रियलिटी बट कैन ऑल्सो ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस. तो एक तरह से जो मेटा कॉग्निशन की बात होती है वो यहाँ आ रही है. यहाँ हाइपोथिटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ रही है जहाँ की ट्रायल एंड एरर की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट बातों पे अब सोचने लगता है, बात करने लगता है. एक बहुत खास बात इन्होंने बताई, पियाजे डिस्कस्ड अबाउट ए न्यू काइंड ऑफ ईगोसेंट्रिज्म व्हिच डेवलप्स ड्यूरिंग दिस स्टेज, द इनएबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एब्स्ट्रैक्ट पर्सेप्टिव्स ऑफ सेल्फ एंड अदर्स. देखिए इस वक्त बच्चा किस एज ग्रुप में, एडोलेसेंट में. तो एडोलेसेंट में उसको ये भान नहीं होता है कि उसकी थिंकिंग दूसरे की थिंकिंग से अलग हो सकती है या दूसरे की थिंकिंग उसकी थिंकिंग से अलग हो सकती है. तो एडोलेसेंट हैव अ हाइटेंड सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड दे बिलीव दैट अदर्स हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन them and their lives almost as much as they are interested in themselves. तो उनको लगता है कि हर आदमी को उनमें इंटरेस्ट है, उन्हीं के बारे में बात हो रही है, उन्हीं से उन्हीं. तो एक तरीके का वो इमेजिनरी ऑडियंस के साथ रहता है, एक इमेजिन करता रहता है एक ऑडियंस जिसके हिसाब से वो प्ले करता है. तो ये बात एल्किंज ने कही थी, उन्होंने दो टाइप की सोशल थिंकिंग की बात बताई थी, इमेजिनरी ऑडियंस एंड पर्सनल फेबल. मतलब खुद ही हम कहानियाँ गढ़ रहे हैं और खुद ही हमको पता है, हमको इमेजिन कर रहे हैं कि वो हमारे सामने होता तो ऐसे कहता है, ऐसे कहता है, जो भी. Adolescents usually feel that they are always on stage. और उनको हमेशा ये फील होता है कि हमेशा वो कुछ स्टेज पे हैं, कुछ एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ मंचन कर रहे हैं. And are a focus of everyone's attention around them. That is, they have an imaginary audience. ये सारी बातें पियाजे फॉर्मल ऑपरेशनल में कह रहे हैं. अब और क्या बताने वाला है. वैसे तो जो हमने जहाँ पियाजे के पर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आपसे एक बार कवर किया, पर कुछ बातें फिर मुझे लगा कि अच्छी हैं आपसे शेयर करनी चाहिए, तो मैंने फिर इसमें इंक्लूड कर ली है. ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ये पियाजे की ही किताब का कथन है कि चिल्ड्रन शुड बी एबल टू डू देयर ओन एक्सपेरिमेंटिंग एंड देयर ओन रिसर्च. उनको करने दीजिए आप. टीचर्स ऑफ कोर्स कैन गाइड देम बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट मटेरियल्स, बट द एसेंशियल थिंग इज दैट इन ऑर्डर फॉर अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड समथिंग ही मस्ट कंस्ट्रक्ट इट हिमसेल्फ. है ना, उसको खुद बनाएगा तभी समझेगा. लर्निंग बाय डूइंग, ही मस्ट री इन्वेंट इट. ये सारी बातें उसने कही. और क्या कहा पियाजे ने कि चिल्ड्रन शुड बी गिवन इंडिविजुअल अटेंशन, यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, सेल्फ पेस्ड की बात कर रहे हैं. चिल्ड्रन शुड ओनली बी टॉट थिंग्स दैट आर केपेबल ऑफ लर्निंग, यानी कि यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जिस एज लेवल पे है उस एज लेवल के हिसाब से ही उसको पढ़ाइए, उसी हिसाब से उसका करिकुलम बनाइए. चिल्ड्रन मैच्योर एट डिफरेंट रूल्स एंड द टीचर नीड्स टू बी अवेयर ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड, सो टीचिंग कैन बी टेलर्ड टू देयर इंडिविजुअल नीड्स. वो कह रहे हैं कि हर बच्चा जिस स्टेज पे है उस हिसाब से उसकी नीड अलग है, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक अलग है. तो टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चा किस स्टेज पे है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी और उस हिसाब से उसको पढ़ाना चाहिए. इसके अलावा कुछ और जैसे कंसीडर ऑन द स्टेजेस, स्टेजेस का ध्यान रखिए, उसको कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस पहले दीजिए फिर एब्स्ट्रैक्ट दीजिए, उसके सामने चैलेंजेस रखिए, उसको फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग रादर देन द एंड प्रोडक्ट, इनकरेज एक्टिव लर्निंग, फोस्टर सोशल इंटरेक्शन, डिफरेंशिएटेड टीचिंग एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द स्पॉन्टेनियस रिसर्च ऑफ द चाइल्ड. इस तरीके की बहुत सारी शिक्षाएं हमको पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से मिलती हैं. अच्छा, ऐसा नहीं है कि इनके सिद्धांत की क्रिटिक नहीं, मतलब आलोचना नहीं हुई. लोगों ने कहा कि बच्चा तो बहुत जल्दी उस स्टेज पे पहुंच जाता है जहां आप कह रहे हैं. कुछ लोग ने कहा कि हो सकता है कि ये कह रहे हैं ना कि बच्चा कोई भी स्टेज स्किप नहीं कर रहा है और सब बच्चे उस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं. तो लोगों ने कहा ऐसा नहीं भी संभव है. कुछ बच्चे डायरेक्टली सेंसरी मोटर से लॉजिकल थिंकिंग तक जा सकते हैं बिना प्री ऑपरेशनल आए. लेकिन तो ये सब इनके क्रिटिक है, लेकिन स्टिल very important, very elaborative theory of cognitive development by Jean Piaget. Okay? क्योंकि lengthy हो जाता है तो मुझे कहीं कहीं थोड़ा सा speedy होना पड़ता है, but matter आपके पास PPT में available है. आप रोक के देख लीजिए क्या लिखा है उस slide पे. Okay? So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.